अब है छठा सवाल, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसमें फर्स्ट है x such that x belongs to R, और यहाँ दे रखा है माइनस चार इज लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू सिक्स। x वास्तविक संख्याओं में से है और कैसी संख्या है, माइनस चार से बड़ी है x ना, तो इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो x such that x belongs to R और x का मान है माइनस चार से तो बड़ा है और छः से छोटा और छः के बराबर है, तो इसको अंतराल, इधर से विवृत अंतराल है, बाईं ओर से तो ये खुला हुआ है, दाईं ओर से बंद है। तो खुला है इधर को तो लगाएंगे छोटा कोष्टक, माइनस चार से ये हो जाएगा छः, इधर संवृत है बराबर है ना, तो बड़ा कोष्टक आएगा, तो ये हो गया अंतराल रूप में। सेकेंड में है x such that x belongs to R और यहाँ माइनस बारह इज लेस देन x इज लेस देन माइनस दस है ना, ये दे रखा। तो यहाँ पर जब इसको अंतराल रूप में लिखेंगे तो x का मान वास्तविक संख्याओं में से x माइनस बारह से बड़ा है और माइनस दस से छोटा है, दोनों तरफ विवृत अंतराल है, खोला है दोनों तरफ से, तो ये विवृत अंतराल है, खुला हुआ अंतराल माइनस बारह से माइनस दस के बीच बीच में छोटा कोष्टक आएगा, है ना, इस तरह लिखना है इसको। थर्ड में x such that x belongs to R, x वास्तविक संख्याओं में से है, जीरो इज लेस देन x इज लेस देन सात, एक्स जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है और सात से छोटा है, तो इधर बराबर है तो इधर संवृत होगा अंतराल, बंद होगा बाईं ओर से बंद, जीरो और या सात, इधर खोला हुआ है तो छोटा कोष्टक आएगा, है ना। चौथे में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वही आर है और तीन इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू फोर, ये तो इसको जब अंतराल रूप में लिखेंगे तो एक्स का मान तीन और तीन से बड़ा, चार और चार से छोटा है, तो ये आ जाएगा तीन, बंद अंतराल है दोनों तरफ से और चार, तीन और चार के बीच की संख्या और तीन और चार सम्मिलित है, तो इस प्रकार से लिखते हैं अंतराल रूप में। इसके बाद सातवें में लिखेंगे निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। सातवें में निम्न लिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप रूप में लिखिए। तो फर्स्ट में दे रखा है हमें माइनस थ्री और जीरो, विवृत अंतराल है, खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम x such that x belongs to R और x कैसा है, माइनस तीन से तो बड़ा है x और जीरो से छोटा है ना, खुला हुआ अंतराल है, दोनों तरफ यहाँ बराबर नहीं आएगा, है ना, तो ये हो गया। सेकंड में छः से बारह और छः और बारह भी सम्मिलित है,
समरत अंतराल है दोनों तरफ से, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 है ना, इस तरह से। थर्ड में 6 12 इधर समरत अंतराल है, तो यहाँ पर x सच दैट x belongs to R, इधर छोटा कोष्ठक है तो विवृत खुला हुआ है इधर से, तो 6 से तो बड़ा है x और 12 के बराबर और 12 से छोटा है, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें अगला चौथा, बानिस 23 से 5 ना, इधर बाईं ओर से बंद अंतराल है, बड़ा कोष्ठक है, दाईं ओर खुला हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू r, माइनस 23 इज लेस देन इज इक्वल टू, इधर बराबर बड़ा कोष्ठक है तो लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन 5 है ना, दाईं ओर से खुला है, बाईं ओर से बंद है, तो इस तरह से इनको लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया सातवां। अगले में क्या करना है, मैं निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। आठवें में सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करना है, निम्न लिखित में से प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच प्रस्तावित करेंगे। करेंगे ये दे रखा है, तो फर्स्ट में दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है ना, तो इसमें कौन सा आएगा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है। इसमें इसके लिए अपन सभी त्रिभुजों का समुच्चय प्रस्तावित कर सकते हैं क्योंकि उसमें समकोण त्रिभुज ही होंगे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, U से व्यक्त कर दे रहे हैं उसको ज़्यादातर, कि x सच दैट x एक त्रिभुज है ना, ये प्रस्तावित कर सकते हैं अपन, है ना। ये समकोण त्रिभुज इसमें भी उपस्थित होंगे, इसमें सभी त्रिभुज हैं तो सभी त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज ही होंगे, तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय सेकंड में भी इसी को ही कर सकते हैं हम, सम द्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, है ना।
ये समद्विभाव त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इसमें हम इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय ये हो जाएगा u बराबर वही x z x एक त्रिभुज है ना। तो ये भी क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा दोनों का। ये हो जाएगा कि इसमें समकोण त्रिभुज इसमें होंगे, ये तो पूरा का पूरा त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इसमें ये भी उपस्थित होंगे और इसमें ये भी उपस्थित होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इनका सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद में अगला है इसमें नवा, नवे में दे रखा है हमें समुच्चय ए में एक तीन पांच, बी में है दो चार छः और सी में है जीरो दो चार छः आठ। ये प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं, है? प्रदत्त है। तो इन तीनों समुच्चयों, है ना, ये तीन समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी के लिए निम्न लिखित में से कौन सा या से सार्थक समुच्चय लिए जा सकते हैं, तो बताइए कौन सा ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट में दे रखा है जीरो एक दो तीन चार पाँच छः, सेकेंड में फाइव दे रखा है, थर्ड में जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फोर में दे रखा है एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, है ना। तो हम तीनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो सकता है, देखो एक दो तीन, है ना, इसमें एक दो एक तीन पाँच है, तो एक तीन पाँच यहाँ पर एक तीन पाँच ये रहा, इसके दो चार छः भी इसमें हैं, दो चार छः भी हैं, इसके जीरो दो चार छः आठ, जीरो दो चार छः आठ, है ना, ये इसका भी उपसमुच्चय ए का भी, ए भी इसका उपसमुच्चय है, बी भी इसका उपसमुच्चय है और सी भी इसका उपसमुच्चय है। तो तीनों के लिए ए बी और सी के लिए ये एक तो ये सार्वत्रिक थर्ड, है ना। तो यहाँ ए बी और सी के लिए जो थर्ड में है वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, है ना। ए बी सी के लिए एक तो थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ देखो है क्या, एक तीन पाँच ये रहा, है ना, एक तीन पाँच, दो चार छः, दो चार छः, लेकिन जीरो दो चार छः आठ ये इसमें नहीं है, है ना, जीरो इसमें से नहीं है चौथे में, तो इसलिए ये तीनों का
एबीसी के लिए थर्ड सार्थक समुच्चय है। और इसमें देखो चौथा, इसमें एक तीन पाँच, ये रहा। फिर इसके दो चार छः, दो चार और छः भी हैगा। फिर सी में जीरो दो चार छः आठ, जीरो दो है, चार है, छः, लेकिन आठ नहीं है, है ना। तो सी के लिए ये भी नहीं, तीनों के लिए नहीं है। ए और बी के लिए हो जाएगा ये, है ना। तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए नहीं, मतलब कौन सा सार्थक समुच्चय, तो केवल यही है तीनों के लिए सार्थक समुच्चय, और कोई सा भी नहीं है। फाइव में तो रिक्त समुच्चय है, इसमें तो कोई अवयव होंगे ही नहीं, तो इसलिए ए बी सी के लिए सार्थक समुच्चय क्या होगा, थर्ड होगा, ये होगा, बाकी और कोई सा भी नहीं है। तो ये इसमें करना है अपन को। तो इस प्रकार से ये हो गई तुम्हारी 1.3, है ना। अब हम वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं समुच्चय को। इसको कल अगले टॉपिक में ही बताएंगे, अगली वीडियो में।